BJP senior leader Shatrughan Sinha spoke exclusively to headlines today after he met with protests in Patna Sahib. Let's listen in. Shatrughan Sinha ji, दूसरी बार आपने पर्चा भरा पटना साहिब से, उसमें भी काफी कुछ टीका टोका टोकी चली और जब आप पटना आए तो उसके बाद कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए, काले झंडे दिखाए गए, क्या लगता है क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? मैं पहली बात तो जानना चाहूंगा, देश में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है या कौन सा दावेदार है जिसकी जब दावेदारी हुई है या उम्मीदवारी घोषित हुई है तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से विरोध ना हुआ हो। ये सबके साथ होता है और सबके साथ हुआ है। कई बार ये प्रायोजित होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, कई बार किसी खास मतलब से होता है, कई बार कुछ लोग जिनको ठेकेदारी नहीं मिली है, चाहे उनकी दुकान कुछ हिलती डुलती दिखाई पड़ती है, वैसे लोग भी आते हैं। कुछ लोग नशे में धुत होकर आते हैं, कुछ लोग आते हैं उन कारणों से जिसकी वजह से उनको एक रोशनी, अखबारों की रोशनी या टेलीविजन की रोशनी चकाचौंध में वो आ सकें। तो मैं समझता हूं कि इस पे बहुत ज्यादा कोई चौंकने की या घबराने की जरूरत नहीं।